आज वापस से आपके लिए स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट गुजराती के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा चैप्टर है जिसका नाम दिया गया है प्रेरक प्रसंग। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लेखक हैं एंड उसने बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल बातें हमें बताई है। कभी कभी ऐसे होते हैं कि जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हम इतने सारे काम के अंदर अपने ध्येय अपने सफलता के रास्तों पर चलते जाते हैं, इतने सारे डूब जाते हैं कि हमें रिफ़्रेश होने के लिए भी टाइम चाहिए। एंड ये जो रिफ़्रेशमेंट मिलता है तो हमें हमेशा देते हैं कोई साधु संत पुरुष लेखक कवि, उसके द्वारा हमें जीवन के अंदर प्रेरक जो हमें इंस्पायर करते हैं, ऐसे कुछ प्रसंग हमें मोटिवेट कर देता है और वापस से जीवन के अंदर एक नया जोश देने का कार्य ये प्रसंग करते हैं। तो स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 23 इसका नाम है प्रेरक प्रसंग सब्जेक्ट गुजराती और इसके अलग अलग लेखक है जिसको इकट्ठा किया गया है। तो इसका साहित्य प्रकार में संकलित लेखक कोई है नहीं, अलग अलग के अलग अलग है। तो साहित्य प्रकार रहेगा प्रेरक प्रसंग या उसको गद्य कह सकते हो। क्या बताना चाहता है आपका है प्रेरक प्रसंग? जीवन की सुगंध अलग होती है, हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है। कोई जीवन के अंदर पैसों से सफल हुआ है तो कोई अपने कार्य करने से, कोई दान दे के महान बना है तो कोई अपना कर्म कर, कोई पढ़ लिख के महान बन गया है तो कोई खूबसूरत बनकर। इस तरह से जीवन में अलग अलग इंसान अलग अलग जगह पर अपना इंस्पिरेशन प्राप्त करता है, मोटिवेशन प्राप्त करता है। इसमें से आज आपको हम तीन प्रसंग के बारे में बताएंगे। क्या त्रण प्रसंगों अपने माटे प्रेरणादायक छे? थोड़ामां घणुं बधुं कही जता प्रसंगों एक उत्तम नागरिकताना निर्माण माटे और समाज के घड़तर के लिए बहुत ही सही तरह से आपको जीवन में काम आएगा। प्रथम प्रसंग एक सामान्य लोखंडना टुकड़ानी वात करी छे, ज्यारे बीजा प्रसंगनी अंदर एक 12 वर्षनी छोकरी एक बाळकी आपको एक बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेट करेगी। उसके कुछ बोलने का तरीका कहने का तरीका इतना अच्छा है कि वो 12 साल की लड़की भी आपको मोटिवेट करेगी। जबकि तीसरे प्रसंग में एक मौलवी जो खुदा का भक्त है वो आपको बताता है कि जीवन में हर एक कार्य कोई आशा के साथ मत करो। गीताजी में कहा है कर्मणि एवाधिकारस्य मा फलेषु तदाचरः, सिर्फ कर्म कर और कर्म करना तेरा कार्य है और वही तेरा फर्ज है, धर्म है। बाकी फल तो भगवान तुम्हें दे ही देगा समय आते ही। तो शुरुआत करते हैं प्रसंग नंबर 1 से। एक लोखंड नो एक टुकड़ो यानी कि आयरन मेटल का एक टुकड़ा होता है, अगर आप उसको बेचते हो तो उसका भाव आपको मार्केट में 1 रुपया मिलेगा, यानी कि 1 रुपये उपजे प्राप्त होगा। अगर वही एक आयरन का वो लोखंडना टुकड़ा अगर उसको आप घोड़े के पाँव के नीचे जो यू शेप की होती है ना उसको नाड़ कहते हैं, अगर उसके हिसाब से अगर आप जाके मार्केट में बेचोगे तो आपको 2.5 रुपया मतलब 2.5 यानी कि 2.5 रुपये आपको प्राप्त होंगे उपजेंगे। अगर वही लोखंड के टुकड़े का अगर आप सुई बना के यानी कि सोई बना बिना अगर आप बाजार में बेचोगे तो आपको 600 रुपये प्राप्त होंगे। इसी तरह से लोखंड का टुकड़ा एज इट इज़ है, कहीं पर उसका भाव 1 रुपया है, कहीं पर उसका भाव 2.5 रुपया है, तो कभी उसका भाव 600 रुपये भी बनता है। आम नाड़ सोय अने टुकड़ानो भाव अलग अलग छे, पर अगर यही लोखंड के टुकड़े का अगर मैं घड़ी के छोटे छोटे स्पेयर पार्ट जिसको गुजराती में कहते हैं कमान वो बना के बेचूंगा तो शायद तक मुझे इसके 50,000 रुपये भी मिलेंगे। लोखंड नो टुकड़ो एनो एज छे, लोखंड एटलू ज छे पण तेनू घड़तर उसका जो डेवलपमेंट है ना उसके द्वारा उस लोखंड के टुकड़े की वैल्यू यानी कि मूल्य बनता है। बस माणस विषय पण आवुं ज छे कि मनुष्य जे छे ए पोताना जीवननी अंदर पोताना शिक्षण द्वारा पोताना धर्म द्वारा पोताना गुण द्वारा अने पोताना घड़तर द्वारा पोतानी किंमत करतो शीखवो जोईए। इस तरह से जीवन के अंदर हमें भी लोखंड के टुकड़े के पास से यही कार्य करना है कि शरीर तो भगवान ने हमने लोखंड के टुकड़े की तरह बना के दिया है, पर जितना आप उसको डेवलप करोगे घड़तर दोगे उतना आपकी वैल्यू बढ़ेगी। इस तरह से नवीन भाई शाह ने हमें पहले प्रसंग में बहुत ही अच्छी बात बताई है। नाउ यहाँ पर उसके हम शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं कि जीवन की सुगंध प्रसंग में मानस नो सर्वांगी विकास थाय ते माटे शेनू उदाहरण आपेलू छे, तो उसका उत्तर है दैट इज लोखंड ना टुकड़ानू। सर्वांगी सभी तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा,
सिर्फ एजुकेशन में, धर्म में, रूप में, शक्ति में नहीं, बस सर्वांगी विकास होना चाहिए। उसके लिए उदाहरण दिया है लोखंड नो टुकड़ो। बीजा प्रसंग में नवी दुनिया बनावा माटे लोगों में क्यों भाव हो जाए तो के भाई की भावना यानी कि भातृभावना होनी चाहिए। लोखंड नो एक टुकड़ो वेचिए तो एनो केटला रुपया आवे तो के मात्र एक रुपयो आवे। लोखंड ना टुकड़ा माथी घनी बधी सोय बनावीए तो केटला रुपया आवे तो के 600 रुपया, मतलब 600 रुपया आवे। लोखंड ना टुकड़ा माथी शू बनावाथी 50,000 रुपया प्राप्त थाय छे तो के घड़ियाळनी झीणी झीणी कमान, कमान को कहेंगे स्पेयर पार्ट। अब इसको अगर टू लाइन आंसर में लिखना है तो क्या आएगा, तो के मूल्य घड़तर नी वात लेखक क्या उदाहरण थी आपने समझावे छे। मूल्य घड़तर नी वात लेखक लोखंड ना एक टुकड़ा ना द्वारा आपने समझावा मागे छे कि लोखंड नो एक टुकड़ा नो मूल्य एक रुपयो, नाळ बनावी ने वेचीए तो 2.5 रुपया, घणी बधी सोय बनावी ने वेचीए तो 600 रुपया, परंतु जो घड़ियाळनी झीणी झीणी कमान बनावी ने वेचीए तो 50,000 रुपया पण उपजे छे। आम लोखंड नो घाट घड़वा एनु मूल्य वधे छे, आ माणस पर पोताना जीवन नु घड़तर, पोतानु डेवलपमेंट करे तो एनो पण सर्वांगी विकास थाय अने तेनु पण मूल्य वधे छे। नाउ दूसरा प्रसंग की बात करें, दूसरे प्रसंग में क्या बताया गया है कि डूंगर नु एक चढ़ाण आकरू हतु। आकरू का मतलब टफ होता है, एकदम सीधी चढ़ाण थी, ढलान थी, चढ़ना बहुत टफ था, मुश्किल था। तो माउंटेन डूंगर नु चढ़ाण चढ़ू आकरू हतु, इसके पर बहुत सारे जो यात्रालु लोग थे वो चढ़ रहे थे। सबके फेस के ऊपर, मोढ़ानी ऊपर थाक के कारण से पसीना दिखाई दे रहा था, थक चुके थे, सांसों श्वास बढ़ गई थी, इस तरह से थे। बधानी साथे उस समय यात्रालु ने साथे डूंगर ना चढ़ाण चढ़वा मा एक 12 वर्ष की छोकरी पण हती। तेने केड़े यानी कि कमर पे 4 साल का एक उसका भाई था, उसने ना तेड़ के मतलब उठा के रखा हुआ था। तो 12 साल की लड़की, 4 साल का उसका भाई, उसको उठा के ये सबसे टफेस्ट चढ़ाण है वो चढ़ रही थी। और सारे यात्रालु देख रहे थे कि हम सबको थकान लग रही है पर इसको नहीं। लेकिन यात्रालु ने उसके पर दया आई और उसको पूछ लिया कि अले ओ छोकरी, आज जिन्हें तेड़ी ने चढ़े छे ते तने भार नहीं लागतो। एक यात्रालु ने उस 12 साल की लड़की को क्या पूछा कि इसको तू टेढ़ी ने चाड़ी चली रही है, इस तरह से चढ़ान कर रही है तो तुझे भार नहीं लग रहा है, थकान नहीं लग रही है, वेट नहीं लग रहा है? तो छोकरी है जो जवाब आप खूब सारो हो, तो जवाब आप ना रे ना भार शानू, ये तो मारो भाई छे। हम जीवन में दरेक भाई समझी ने अपने चालिए ने तो कोईपण प्रकार संबंध रिलेशन क्यारे भार बने नहीं। इस तरह से बहुत ही अच्छी बात बताइए कि कोई भी प्रकार का रिलेशन भार रूप मत बनाओ। भाई को जिस तरह से आप इजीली स्वीकार कर सकते हो, उसी तरह से हर एक भाई को अगर अपना लोगे तो वो चीज़ आपके लिए भार समान ज़्यादा खराब नहीं बनेगी। यहाँ पर टू लाइन आंसर में क्या पूछा है कि कोई डूंगरी चढ़ती छोकरी ने शू पूछू, छोकरी तेनो शो जवाब आप। कोई डूंगरी चढ़ती छोकरी ने पूछू कि तू आ छोकरा ने तेड़ी ने चढ़े छे तेते तने भार नहीं लागतो, छोकरी जवाब आप ना रे ना शानू, आ तो मारो भाई छे। भातृभावना यानी कि भाई प्रत्येना जे प्रेम ने भातृभावना कहवाय, तेनी भावना अहीं व्यक्त करवामां आवी छे। डूंगरनुं चढ़ाण केवुं हतुं, डूंगरनुं चढ़ाण खूब ज आकरू यानी कि टफ था। सौ यात्राळुना मोना पर शेना चिन्ह देखाता था, सौ यात्राळुना मोना पर थाकना चिन्ह देखाता था। 12 वर्षनी छोकरीए कोने तेड़ी ने डूंगर चढ़ी रही थी, 12 वर्षनी जे छोकरी हती तेना भाई ने तेड़ी अने डूंगर चढ़ी रही थी। दरेक भाई ने समझिए तो शूँ लागे, तो दरेक ने भाई समझे ने तो आपने क्यारे पण भार लागे नहीं। अब बात करेंगे हम अपने तीसरे पैराग्राफ यानी कि तीसरे प्रसंग के ऊपर। ये लिखा है मोरारी बापू ने, ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं कि एक फकीर 20 वर्ष थी नियमित रही है यानी कि डेली पक्का शेड्यूल बना के मस्जिद में जतो, अने त्या जे मुस्लिम लोग होय ए 5 वक्त नमाज पढ़े, तो 5 वक्त नमाज पढ़ता था। जे भाग्येज ऐसी कोई जगह होगी कि वहाँ पर उसने कभी ना पढ़ा हो, डेली का उसका ये शेड्यूल था, डेली नियमित रीते मस्जिद में जाना, 5 बार नमाज पढ़ना।
वो जहाँ पर बैठ के नमाज पढ़ रहा था ते जग्या ए नमाज अदा करतो हतो एटली जग्या तेना हाथ मा तेना पग मा निशान पड़ी गया था। अने आम करता करता आ फकीर ने पोताना 20 वर्ष कम्प्लीट करी लीधा। 20मो वर्ष सांजनो समय अने छेल्ली नमाज। ए जारे नमाज जारे अदा करतो हतो ए समय अचानक ते आकाशनी अंदर आकाशवाणी थई। आसमान में से भगवान की वाणी होती है, भगवान बोलते हैं तो हमें बताते हैं। क्या बताया आकाशवाणी में कि हे फकीर तू 20 वर्ष थी एक जग्याए रोज 5-5 नमाज अदा करे छे पण खुदाना दरबार में तारी एक पण नमाज मंजूर नहीं थई। इस तरह से आकाशवाणी में 20 वर्ष थी काम करतो 20 वर्ष थी भगवान यानी कि खुदा ने बंदगी कर तो उस जो बंदा था उसको बताया कि फकीर तुम्हारी एक भी भगवान को प्रार्थना यानी तुम्हारी नमाज वहाँ पर मंजूर नहीं हुई है। अब ये बात सुनकर काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, पागल हो जाते हैं। आ सांभळी फकीरे पण आखी मस्जिद में नाचवा लागे। आकाशवाणी सांभळी ये पागल बनी गयो। तो त्या बाजू में एक मौलवी उभा था, एने कह्यू करे बेवकूफ तारे तो रड़वू जोईए अने तू नाचे छे केम? 20 वर्ष थी तू नमाज पढ़े छे अने खुदाए तारी एक पण नमाज कबूली नथी तो तारे आंसूड़ा पाड़वा जोईए अने तू तू हसे छे तू नाचे छे। जे फकीरे जवाब आप्यो ए समझवा जेवो छे। जे फकीरे जवाब आप्यो ने ए जीवन में उतारवा जेवो छे। शुं कीधुं जुओ, आजे तो मारू जीवन धन्य बन्यु छे मौलवीजी, मारी बंदगी कबूल थाय के ना थाय एनी मने कोई परवाह नथी, आई डोंट केर। परंतु खुदाए एटली तो खबर छे ने कि हूँ नमाज पढ़ी रह्यो छूं, मारे माटे तो एटलू ज बस छे। फल मळे के ना मळे एनी शी जरूर छे? हाँ, खुदा ने एटली खबर होवी जोईए कि खुदा अमने तारी साथे मोहब्बत छे, बस आज मारी बंदगी छे अने आ मारी बंदगी सफल थई छे। एटले कर्मणीय वाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म कर्या वगर तू तारू फल कर, तू तारू कर्म कर, भगवान तने योग्य समये एनो योग्य फल आपी देशे। आपणे मेहनत करिए अने इच्छा राखीए कि भाई भगवान मने 95% आपजे, मने 98% आपजे, मने 90% आपजे, ना मळे तो ए याद राखवानुं कि आजे नथी आप्या तो भगवान ए कर्मनुं फळ बीजा दिवसे बीजा वर्षे बीजा महिनामां आपशे। पण ज्यारे पण आपशे व्याजनी साथे आपशे, इंटरेस्टनी साथे आपशे। એટલે આપણે કર્મ કરવાનું, ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખવાનો, એ ક્યારે ચૂકવાનું નહીં। આ મોરારી બાપુએ આ બહુ સરસ મજાનો પ્રસંગ, ત્રીજો પ્રસંગ કીધો છે આપણને। પ્રશ્ન અને એના ઉત્તરો લઈએ। ફકીર કેટલા વર્ષથી નિયમિત રીતે મસ્જિદમાં નમાજ પડવા જતો હતો? તો કે 20 વર્ષથી। ફકીર 20 વર્ષની સાંજની છેલ્લી નમાજ અદા કરતો હતો ત્યારે કઈ ઘટના બની? તો કે આકાશવાણી થઈ। ફળ મળે કે ના મળે એની શી જરૂર છે? હા, ખુદા એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે ખુદા અમને તારી સાથે મોહબ્બત છે, બંદગી સફળ। આ વાક્ય ફકીર કોને કહે છે? તો કે મૌલવીને કહે છે। ત્રીજા પ્રસંગના પ્રેરક પ્રસંગના કરતા કોણ છે? પૂજ્ય મોરારી બાપુ। આ ટુ લાઈન આન્સર હે। નમાજ અદા કરતા ફકીર કેમ ખુશ થઈ ગયો? ફકીર 20 વર્ષથી નિયમિતપણે મસ્જિદમાં નમાજ પડતો હતો। 20મા વર્ષની સાંજે છેલ્લી નમાજે આકાશવાણી થઈ, ખુદાના દરબારમાં તારી એક પણ નમાજ મંજૂર થઈ નથી। આ સાંભળી ફકીર આખી મસ્જિદમાં નાચવા લાગ્યો, ખુશ થઈ ગયો। બંદગી ભલે કબૂલ ના થોય પણ ખુદાને એટલી તો ખબર છે કે અમને તમારી સાથે મોહબ્બત છે, આમ જીવન આમાં ધન્ય ગણી લેવું જોઈએ। દૂસરા પ્રશ્ન એ કે ફકીરને ક્યારે આકાશવાણી દ્વારા જાણ થઈ કે તેની એક પણ નમાજ ખુદાના દરબારમાં મંજૂર થઈ નથી? આ સાંભળી મંદિરમાં નાચવા લાગ્યો ત્યારે તેના ક્યાં ભાવને અહીંયા વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે? મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી, તો ઉત્તર છે, સૌ પ્રથમ તો ફકીર એ પોતાનો આ ભાવ વ્યક્ત કરે છે કે ખુદને ત્યાં તેની નોંધ, તો મતલબ ખુદા તેની બાબતની નોંધ લે છે, તે નિયમિત રીતે નમાજ પઢે છે। ઉપરાંત બીજો ભાવ સકારાત્મક, પોઝિટિવ એટીટ્યૂડ। ગીતાજી કે એક શ્લોક કે અંદર અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કો પૂછા કે ભગવાનજી આપકા સબસે પ્રિય ભક્ત કોન હૈ?
तो पता है भगवान जी ने क्या बताया? भगवान जी ने बताया कि मेरा सबसे प्रिय भक्त वो है जो अपना काम का ध्यान दे, मेरे नाम के पीछे ध्यान ना दे। क्योंकि अगर किसी के पास ज्यादा पैसा आता है तो भगवान बोलता है मुझे मंदिर बना के दे देता है, और अगर किसी के पास कुछ नहीं आता तो मुझे गाली देके जाता है। तो भगवान कहता है कि ना मुझे गाली में इंटरेस्ट है और ना ही मुझे मंदिर में इंटरेस्ट है। मैंने तुम्हें काम करने के लिए नीचे भेजा है, तू काम कर, बस मुझे उसमें इंटरेस्ट है। और ये कार्य करना यानी कि सकारात्मक भावना रखना कि भगवान पे भरोसा रखो। आपको अगर पापा 100 रुपये दे के बोले कि जाओ मार्केट में से ये लेके आओ, तो पता ही है कि मार्केट में जाएगा ये चीज़ लेके वापस आएगा, है ना। पर अगर वहाँ पर जाके डाउट करो भाई 100 रुपये क्यों दिए, इतना क्यों दिया, ये लाने के लिए क्यों दिया, तो मतलब आप अपने भगवान पे डाउट कर रहे हो। अपना कर्म करो, उसमें मजा आना चाहिए। ये सकारात्मक भावना आपो आप रजू थई छे, बंदगी कबूल थई नथी के नकारात्मक आत्मा हूँ हकारात्मक छे, ए बाबत ने फकीरे ध्यान लेवा जेवी छे। आथी ए फकीर नृत्य करी रह्यो हतो। फकीर दिवसनी केटली नमाज पढ़तो हतो? तो के 5 नमाज पढ़तो हतो। फकीरना हाथमां ने तारा पगमां निशान शा माटे पड़ी गया था? तो के फकीर नियमित 20 वर्षथी 5 वक्त नमाज पढ़तो हतो, एटला माटे पग ने हाथमां निशान पड़ी गया था। मस्जिदमां आकाशवाणी क्यारे थई? तो के फकीरना 20મા વર્ષની સાંજે છેલ્લી નમાજ અદા કરતો હતો ત્યારે। આકાશવાણી સાંભળીને ફકીર શું કરવા લાગ્યો? તો કે મસ્જિદમાં નાચવા લાગ્યો। ફકીરને મસ્જિદમાં નાચતો જોઈ મૌલવીએ શું કહ્યું? મૌલવીએ કહ્યું કે અરે બેવકૂફ, તારે તો રડવું જોઈએ, અને તું નાચે છે, 20 વર્ષથી તું નમાજ પડે છે, પરંતુ તારી કોઈ પણ નમાજ કબૂલ થઈ નથી, તો પછી તું રડવું જોઈએ, તું હસે છે શા માટે? આમ કહ્યું। अच्छा, यहाँ पर हम उसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। शब्द समूह यानी कि ग्रामर की बात करेंगे। शब्द समूह माटे एक शब्द आकाश माथी प्रगटती देववाणी, आकाशवाणी। घोड़ाना पगे जड़वामा आवती लोखंडनी जाडी पट्टी, घोड़ानी नाल। समानार्थी शब्द दिवस दिन, मोहब्बत प्रेम, मानस मनुष्य, परवा चिंता। ऑपोजिट शब्द है नियमित अनियमित, आकरू सहलू, सांझ सवार, मोहब्बत नफरत, मूल्य अमूल्य, हसवू रड़वू। रूढ़ी प्रयोग छे अदा करवू, तो के अर्पण करवू, ये आपका ग्रामेटिकल पार्ट था। तो इस तरह से इसके अंदर ग्रामर 1 लाइन आंसर 2 लाइन आंसर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने के कारण से आपको बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। हर एक वर्ड मत पढ़ो, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दो लोगों के जाके इसके बारे में डिस्कशन करो, बताओ मम्मी है, पापा है, कजिन है, तो ये इतना मोटिवेशनल है कि हर किसी को कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। तो आशा करता हूँ आज का ये आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझा पाया होगा। अगर कोई भी आपको क्वायरी है, कोई भी आपको नहीं समझ में आया, कुछ चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है वहाँ पर आप ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। अपने फ्रेंड लोगों को जो स्कूल में है, ट्यूशन में है, उसको ये पास ऑन करिए वीडियो, ताकि हो सकता है कि घर बैठे उस पर इस चीज़ का लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच। आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका गुरु महेंद्र जोशी।